मुरादाबाद के जिला आबकारी विभाग की टीम ने होली पर बड़ी चेतावनी जारी की थी कि लोग अवैध शराब के सेवन से बचें, लेकिन इस शराब को बनाने वाले लोगों की तलाश में आबकारी विभाग की तेज तर्रार टीमें पूरी तरह फेल साबित हुई थी। उधर जब एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को शराब का कारोबार करने वालों की जानकारी मिली तो आबकारी विभाग के कुछ लोगों को साथ लेकर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने सीओ कटघर के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर कटघर, एसओजी टीम के लोगों को शामिल किया गया और एक साथ कई स्थानों पर पुलिस की टीमों ने दबिश देते हुए कटघर गांव भदौड़ा के नरोत्तम मंझोली निवासी मलखान, दसराय के अनिल उर्फ घनश्याम, चंद्रनगर निवासी बबलू सक्सेना और गांव भदौड़ा के रहने वाले अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि इनके कब्जे से देसी शराब के पौवे और खाली ढक्कन के साथ पौवों पर चिपकाने वाला लेबल भी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि आबकारी विभाग के कुछ कर्मियों को ये पता रहता है कि कौन कहां अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, लेकिन जब पुलिस के साथ मिलकर दबिश उनके ठिकानों पर दी जाती है तब तक जगह पूरी तरह साफ कर दी जाती है। होली से पूर्व आबकारी विभाग की ओर से एक बड़ी अपील जारी की गई थी, लेकिन उस वक्त अवैध शराब के ये कारोबारी आबकारी विभाग की पकड़ में नहीं आ पाए थे। इसके अलावा जो अंग्रेजी शराब की बोतलें हरियाणा राज्य की बताकर मुरादाबाद में तस्करी की जा रही है, इन शराब तस्करों की जानकारी भी आबकारी विभाग को पुलिस अधिकारियों को देनी चाहिए, ताकि इसी तरह के ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर शराब कारोबारियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जा सके। देखिए, ये पुलिस और आबकारी विभाग की एक संयुक्त ऑपरेशन, उसके तहत एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग बेसिकली जो स्पिरिट होती है, अल्कोहल जिसको इंडस्ट्रियल यूज़ में लिया जाता है, उसको डाइल्यूट करके और बॉटलिंग करके उस पर एक नकली शराब बनाते हैं और उसके बाद वो विभिन्न माध्यमों से सप्लाई करते हैं। इसका एक पूरा इनका नेटवर्क है, उस नेटवर्क का इस टीम, हमारी टीम और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा पर्दाफाश हुआ है। इसमें न केवल ये बॉटलिंग करते थे, बल्कि उस पर एक जो क्यूआर कोड इसलिए लगाया जाता है कि कोई फर्जी शराब न बिके, वो भी एक स्थानीय प्रेस में उसको छापा जाता था और उन बोटल्स के ऊपर वो क्यूआर कोड भी इस्तेमाल किया जाता था। तो कुल मिला के ये कि पूरा नेटवर्क है जो पकड़ा गया है और इनके माध्यम से इनका जो एक व्यक्ति जो लेके आता है, फिर वो कई लोगों को स्पिरिट सप्लाई करता है, उसके आगे फिर बॉटलिंग होती है, पैकिंग होती है, इस तरह का ये पूरा नेटवर्क है, जिसमें ये हमको 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं अभी, जिसमें ये नरोत्तम, मलखान, अनिल, बबलू और अभिषेक। इसके अलावा इसमें 5 अभियुक्त फरार हैं, जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति है इस्लाम उर्फ रिंकू, ये संभवतः उत्तराखंड का ही रहने वाला है और ये यहाँ पर बेसिकली जो कंसंट्रेट फॉर्म में स्पिरिट होती है उसको लेके आता था और जो स्थानीय इसके एजेंट हैं उनको सप्लाई करता था, जिसमें एक ये बबलू प्रमुख व्यक्ति है जो आपके सामने अभी मौजूद है। अभी इन्होंने बताया है कि त्यौहार से पहले इन्होंने इस काम में गति दी थी, लेकिन ये पूर्व का भी इनका आपराधिक इतिहास है, तो पहले भी इस काम को ये लोग करते रहे हैं। जैसा आप देखेंगे प्रेस नोट में कि कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है, पहले भी जेल में गए हैं ये लोग, लेकिन अनिल सैनी, नरोत्तम, तो ये लोग लंबे समय से इस काम में हैं। 2015 के मुकदमे हैं इन पर, 13 के मुकदमे हैं, तो पहले भी ये लोग पकड़े गए हैं उन्हें। जैसा मैंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो अल्कोहल आता है उसको किसी माध्यम से, जो इसमें रिंकू नाम का व्यक्ति जो अभी पकड़ा नहीं गया है, वो उसको अरेंज करता था और वो 60-60 लीटर की केन में लाके इनको